अब बोलो कैसा लगा मेरा मजाक? दांत बाहर आ जाएगा, आएगा फरिश्ता बनकर हमारे लिए। उनको बोलते हैं नो मनी, तो वो बोलते हैं फोकट में थोड़ी लेके जाएंगे। तो भैया बोलेगा मैं खुद परेशान हूँ यार, तुमको कहाँ लेके जाऊँगा। ओ भाई ये क्या है, पकड़ के। अभी हम पहुंच चुके हैं आसाम में। भाई क्या बोला आपने, दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रखना, जरूर जरूर हमें भी रखना दुआओं में याद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन है हिचहाइकिंग का, भी शुरू होने वाला है और हम रुके हुए हैं अररिया के एक टोल प्लाजा पे। और यहाँ पे ये भैया से परमिशन लेकर के हमने यहाँ पे अपना टेंट डाला और दो चार घंटा सोया यार, और सही से सो तो नहीं पाया हूँ क्योंकि ये डॉग भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। चलो कोई नहीं यार, ये भी अनजान देख करके भौंक रहा था। तो अब यहाँ से हम लोग फ्रेश व्रेश हो करके करेंगे स्टार्ट हिचहाइकिंग। तो चलो फिर यहाँ से जल्दी से फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं नए अंदाज में। तो दोस्तों ये हमने बैग पैक कर लिया और ये देखो ऑल सेट, यहाँ पे भी ऑल सेट। आ रही है सिक्योरिटी साहब यहाँ के, आ रही है भैया से हमने रात में परमिशन लिया था। बोला कि सर हम यहाँ से सो सकते हैं, तो बोला कि कैसे सोओगे, तो मैंने बोला टेंट लगा करके, तो भैया ने मान गया और यहाँ पे टेंट लगाया था। काफ़ी ठंड है यहाँ पे हालांकि। तो चलो फिर सबको बाय एक बार, है ना, चलते हैं यहाँ से। ताजगी के साथ जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये टोल प्लाजा पे रुका हुआ था यार, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे यार, हम लोगों को चाय ऑफ़र किए और यहाँ पे फ्रेश व्रेश भी हो लिया। विकास भैया तो नहा भी लिए और उसके बाद फिर हम लोग को लंच दिया गया पोहा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं यार, इतना प्यार मिल रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है यार। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ से फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट जर्नी की ओर। तो चलो फिर मिलते हैं अब रोड पर और लेते हैं लिफ्ट सिलीगुड़ी के लिए। आज सिलीगुड़ी पक्का पहुंच जाऊंगा यार। फाइनली दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट लिफ्ट मिला, और ये कितने किलोमीटर तक का मिला मुझे पता नहीं है, भैया जहां तक छोड़ेंगे उसके बाद पूछ करके बताऊंगा। और ये पिकअप में मिला है, हालांकि आगे सीट खाली है लेकिन मैंने बैठा नहीं, मुझे थोड़ा ये पसंद था भाई। तो चलो फिर आज का पहला लिफ्ट ये भाई दिए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। और कितने किलोमीटर छोड़े होंगे? 10 किलोमीटर बस। तो चलो फिर ठीक है, फिर यहाँ से सिलीगुड़ी के लिए देखते हैं, मिलता है तो अपडेट करता हूँ। यार 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई ट्रक वाले रोक ही नहीं रहे यार, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, पसीना चल रहा है यार, आपको दिख रहा होगा। फिर भी देखते हैं, कोई तो होंगे जो मुझे छोड़ देंगे सिलीगुड़ी ज़रूर। तो देखते हैं किसी को, ट्रक भी बहुत कम आ रहा है यार, और आ रहा है जो रोक ही नहीं रहा है, कोई कोई तो देखते भी नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कुछ तो सुनते जाए। हाँ एनर्जी ड्रिंक चाहिए, एनर्जी। अब बोलो कैसा लगा मेरा मजाक? दांत बाहर आ जाएगा। यार 1.5 घंटा हो गया अभी तक लिफ्ट नहीं मिला, क्या विकास भैया? यार थक गए यार, बैग टांग है देखो, 25 kg का बैग है और लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है। मैं जगह चेंज कर रहा है, हम लोग ये जगह नहीं रुक रही है, आगे चलते ऐसे करते करते 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं भाई, जा रहा है सब ट्रक रोक ही नहीं रहा है, पता ना कोई भी हमें सिलीगुड़ी नहीं लेके जाना चाहता है। अब देखो कोई तो होगा जो लेकर जाएगा, आएगा फरिश्ता बनकर हमारे लिए, है ना भैया? हाँ हाँ जरूर आएगा, जाएंगे तो जरूर, छोड़ना नहीं है, जाना है। और बहुत कम इसमें ट्रक वगैरह चलते हैं भाई, पिकअप वगैरह भी नहीं लेकर जा रहे हैं। कोई किशनगंज तक छोड़ने के लिए बोलता है, वो बोलता है 150 रुपया, बट अपने पास तो पैसा है ही नहीं। उनको बोलते हैं नो मनी, तो वो बोलते हैं फोकट में थोड़ी लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू रुकने के लिए, आप जाइए। कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है लेकिन रोक नहीं रहा, आप जाओ भैया लेके चलोगे सिलीगुड़ी? हंसता है सिलीगुड़ी बोलते हैं तो। आ रहा है विकास भैया,
एक ट्रक आ रहा है। रोक दो भैया जी, रोक दो भैया जी, रोक दो भैया जी। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी कोई नहीं रोकते यार, देखते तक नहीं। बट ऐसा नहीं है यार, मिलेगा लिफ्ट, मिलेगा। सब्र रख, सब सब्र का फल मीठा होता है ना। ऐसा ना हो कि खट्टा हो जाए आज। नहीं यार, खट्टा नहीं होगा, मीठा ही होगा। मीठा होगा और भी अंगूर होगा, अंगूर होगा है ना, और मीठा वाला, मीठा वाला, खट्टा वाला नहीं। रोक दो भैया जी, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, रोक दो भैया जी, आगे जाओ यार। तो दोस्तों लिफ्ट तो नहीं मिली, बट एक भाई बाइक लेकर आए हैं, वो आगे बढ़ चुके थे लेकिन देखे तो आए, और ये अपने सब्सक्राइबर भैया बन रहे हैं, तो इनको चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका नाम? इंतखाब हसीब। क्या? इंतखाब हसीब। इंतखाब हसीब जो यही क्या है जी। तो चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं इनसे और फिर मिलते हैं, है ना भैया जी? हमको भी लेते चलो ना, जहाँ तक जाओगे। तो भैया बोल रहे मैं खुद परेशान हूँ यार, तुमको कहाँ लेकर जाऊँगा। ठीक है जाओ यार भैया आप। तो बहुत लंबे समय के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद 5 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिले हैं, और थोड़ा तो आगे बढ़े हैं यार। वहाँ तो एक जगह थे और वो मार्केट भी था, तो वहाँ पे ट्रक वरक रोकने में दिक्कत भी होता था। अब देखो यहाँ से क्या होता है यार। तो ठीक है, जैसा होगा जैसा अपडेट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों किशनगंज तक लिफ्ट मिल चुकी है, और एक वो भाई ये क्या है, पकड़ के पकड़ के। तो ये एक ट्रक है जिसमें बालू था, वो अनलोड करके जा रहे हैं यार। देखो इस टाइप का है। क्या विकास भैया, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है लेकिन सजा भी है भाई थोड़ा सा, लेकिन क्या करो, जिंदगी इसी का नाम है भाई। तो चलो फिर किशनगंज तक चलते हैं। लंबा लिफ्ट मिल गया यार। अराउंड कितना किलोमीटर होगा किशनगंज? 75-70 किलोमीटर का शायद होगा भाई। तो चलो फिर उतर कर बताऊँगा, देखता हूँ मोबाइल में कितना है। और खुश हूँ यार थोड़ा सा, बहुत देर के बाद चेहरे पे मुस्कान आई है यार। तो चलो फिर चलते हैं, बैठते हैं। उन्होंने एक तिरपाल दिया कि बैठ जाओ आप लोग, तो ठीक है बैठते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, और यह सिंपल खाना 50 रुपये प्लेट, लिमिट कुछ लिमिट है भाई, इतना ही चावल मिलेगा। तो सही है यार, चलो खाते हैं और खा करके फिर सफ़र जारी करते हैं, क्योंकि सुबह वो टोल पर ही वो पोहा खाया था, टोल वालों की तरफ से था, उसके बाद अभी खाना खा रहा हूँ। और अभी टाइम कितना हो गया विकास भैया? अभी हो गया है, देख देता हूँ एक बार, ये 12:25 हो गया भाई। तो चलो फिर खाते हैं। भैया ने लिफ्ट दिया बहुत देर के बाद, और हम लोग पीछे देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये नल्ला में थे, लेकिन धूप काफ़ी होने के कारण भैया से बोले तो बोले कि आ जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सामान वगैरह पीछे छोड़ दो। थैंक यू भैया। चलो फिर। तो यार एक लोचा हो गया कि आप लोग समझ रहे होंगे कि देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, और आगे में क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि कितना देर में क्लियर होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर तक के जाम है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं आगे का कोई भी मार्केट होगा तो वहाँ से फिर देखेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। और ये देख रहे हो सारे ट्रक इसी टाइप से लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा है भाई। इसे देखो आप, वहाँ तक के लगा हुआ है डाइवर्सन पूरा। ठाकुरगंज किससे थोड़ा सा पहले है, और हमें एक ट्रैक्टर से लिफ्ट मिला था, और ये है धनजी यादव, इन्होंने हमें छोड़ा। और ये बक्सर से है भाई, तो करीब करीब हमारे ही मतलब गया पटना यही एरिया से है ना, तो काफ़ी अच्छे भैया हैं। और ये वन विभाग की लकड़ी लेकर के आ रहे थे, तो हमने इनको हाथ दिया तो ये रोक दिए, बोले कि 30 किलोमीटर तक के आपको ले जाऊंगा। और मज़े की बात तो है कि आज तीसरा लिफ्ट भी मिला, 3 लिफ्ट मिला है, जिनमें 3 ट्रैक्टर से आया हूँ और 1 लिफ्ट मिला है वो पिकअप से, मतलब कुल 5 लिफ्ट मिले, 1 ट्रक से, 3 ट्रैक्टर से और 1 पिकअप से। तो सबसे ज़्यादा हमारा आज का हो गया ट्रैक्टर से ही। तो ठीक है भैया, फिर मिलेंगे कभी, बाय बाय। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं असम में एंटर कर चुके हैं, यहाँ से गुवाहाटी दूर है, और रियल वाला एडवेंचर अब शुरू होगा। तो
हम आए थे इस ट्रक से, ये है देखो कुरियर का है, और ड्राइवर साहब अभी बरस कर रहे हैं, और विकास भी हमारे गए हैं कहीं, सूर्योदय हो रहा है फर्स्ट क्लास। एक समय तो ऐसा लगा दोस्तों कि हम आज सिलीगुड़ी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सिलीगुड़ी पहुंच चुके थे, यही ट्रक से पार किए भाई, और थक हार करके अंत में जा रहा था किसी पेट्रोल पंप पे सोने, तो ये भैया को हाथ दिया तो ये रोक दिए और बोला कि भैया जी लेते चले गए गुवाहाटी, तो बोले कि चलो, और फिर इनके साथ आ गया। हालांकि गुवाहाटी तो अभी नहीं गया हूँ, गुवाहाटी यहाँ से 150 से ज़्यादा दूरी है, 150 किलोमीटर से, लेकिन बीच में कहीं रुके हुए हैं तो फ्रेश व्रेश होने के लिए, तो चलो फिर ठीक है। यहाँ से अब रियल वाला एडवेंचर शुरू होगा, जिसका हमें भी इंतज़ार था और आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। चलो फिर बने रहो ब्लॉग में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि फिर बाद में छूट जाएगा एपिसोड, तो करंट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम इस ट्रक के ड्राइवर जी से मिलाते हैं। आपका नाम भैया? कुलदीप चंदेल। कुलदीप चंदेल चलदे चंदे चंदेल 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 कुंदे कुलदीप चंदेल। और ये भैया कहाँ से हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से हैं, यानी मध्य प्रदेश से। तो ये भी हरियाणा नंबर गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें उम्मीद नहीं था कि हरियाणा नंबर गाड़ी रोकेगी हमारे लिए, लेकिन भैया ने रोका, वे बोला कि अगर एमपी वाला बंदा होगा तो जरूर रोकेगा, है ना? हाँ। तो भैया ने रोका और हमें, कितना किलोमीटर आए होंगे अभी वहाँ से ठाकुरगंज से? 300 किलोमीटर हम लोग सफ़र कर चुके हैं भाई। अब देखते हैं यहाँ से आगे जाते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग को मतलब लंबा लंबा लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना सर, काफ़ी हम्बल इंसान है यार। चलो फिर अब नाश्ता वास्ता करते हैं, है ना? जो ट्रक वाले भैया हैं उनको तो जाना है अरुणाचल, और हमें भी अरुणाचल जाना है, बट अभी तो नहीं जाना है, अभी तो हमें आसाम एक्सप्लोर करना है, आप लोग को दिखाना है। और तो ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक है भाई, भाई। क्या बोला आपने, दुआओं में याद रखना? दुआओं में याद रखना, जरूर जरूर, हमें भी रखना दुआओं में याद। बिल्कुल भाई, चलिए ठीक है, फिर मिलना होगा कभी तो जरूर मिलूंगा। जरूर जरूर, चलो हम लोग जा रहे हैं दुबरी, और जहाँ पे ट्रक लगी हुई थी वहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर हम लोग वॉक कर चुके हैं, और एक चौराहा के पास पहुँचे, वहाँ से हमें लिफ्ट मिलेगी दुबरी के लिए। तो चलो फिर दुबरी में क्या कुछ है वहीं जाकर मिलता हूँ, ऐसे लिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उम्मीद तो कम है लेकिन आशा पूरा है भाई, भरोसा ज़्यादा है कि मिलेगा। चलो फिर, धूप चिलमिलाती धूप है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो यार, स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई को, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पे सिंगल रोड है, बट गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं आती हैं यार, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, लेकिन वो भी आ रही है यार भाड़ा वाले गाड़ियाँ, जो कि पैसा लेकर एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाते हैं। और मैं अपने पास तो सिंपल फंडा है भाई अपने का, कि हिचाइकिंग कर रहा है तो पैसा तो पास में रहता ही नहीं है, और पैसा लेकर चले भी नहीं है उतना, हम लोग का लिमिटेड बजट है, तो बस बस से तो नहीं जा सकते हैं, वेट कर रहे हैं, देखो क्या होता है। और पसीना से देख रहे हो, टी शर्ट वी शर्ट भींग गया, क्योंकि हमने जहाँ पे ट्रक लगा हुआ था वहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर वॉक कर दिया, और 30 kg लगेज के साथ भाई, तो समझ सकते हो ये चिलमिलाती धूप देख रहे हो ना, लग रहा है कि मे का मंथ का धूप है बिल्कुल उसी टाइप का। चलो क्या होता है देखते हैं, सब ठीक होगा, हौसला रख, है ना, अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ यार, आप लोग तो तसल्ली देते नहीं हो कमेंट में, तो मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है, और ये पिकअप में है और अति दूरा में है, भैया जी ने लिफ्ट दिया, थैंक यू भैया। तो चलो यार, खुशी मिल रही है, 5 किलोमीटर चलने के बाद इतना लैगेज लेकर के एक लिफ्ट मिला है, क्या विकास भैया? तो ठीक है, चलो फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों वो भैया ने हमें यहाँ पे उतार दिया हाथी दूरा जगह का नाम पड़ता है, वहाँ पे उतार दिया, और यहाँ से देखते हैं कितना देर में लिफ्ट मिल पाता है, क्योंकि वहाँ तो हमें मुश्किल से 20 मिनट हुए होंगे और मिल गया था, और यहाँ से अभी भी जाना है हमें को 50 किलोमीटर जाना है यार, 50 किलोमीटर, तो देखते हैं
सफर जारी है। आ रहा है भाई लिफ्ट को, कुरियर का एक कुरियर का आ रहा है भाई, ट्राई करते हैं लिफ्ट मिल पाता है कि नहीं। भैया जी रोक दो भैया जी। अरे जगह नहीं है, जगह तो है नहीं यार, अब रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं देखो। इसमें जगह ही नहीं है यार, बैठूंगा कहाँ। लॉजिस्टिक्स वाला ही था, कुरियर गाड़ी था यार, बहुत उम्मीद रहता है अपने को इससे, है ना। हमारी उम्मीद है भाई लॉजिस्टिक्स से ठीक रहती है, बेंगलोर से यहाँ तक पहुँचा लॉजिस्टिक्स से गाड़ी। अच्छा एक्सपीरियंस है उसका भाई, बैठा भी लेते हैं बेचारे, लेकिन पता ना सिंगल चलता है हर कोई। वो चार पांच लोग अंदर से इसलिए नहीं मिला, हमें लगता है कहीं से उठाया होंगे, मार्केट वर्केट से कोई और होंगे, है ना, हमारे तरह ही कोई नहीं जा रहा इसलिए नहीं उठाया। अच्छा चलो ठीक है यार, देखते हैं कुछ और।